योग अभ्यास करने के साथ साथ पृथ्वी और जीवन के दूसरे मूल तत्वों से जुड़े रहने से भी जीवन में बहुत मजबूती आएगी और ये बहुत जरूरी है कि आप मजबूती से जिए। मजबूत होने का मतलब सिर्फ मांसपेशियों की ताकत होना नहीं है, आपके अंदर जीवन की बुनियादी बनावट मजबूत होनी चाहिए, न सिर्फ सेहत के लिए, न केवल बैक्टीरिया, वायरस और दूसरी बीमारियों के बाहरी आक्रमणों से लड़ने के लिए, बल्कि आध्यात्मिक प्रक्रिया के लिए भी एक मजबूत और स्थिर शारीरिक सिस्टम बहुत जरूरी है, ताकि जब आप अपनी ऊर्जा को प्रज्वलित करें, जब आप अपनी प्रतिभा को खोलें, तब चोट ना पहुंचे। शारीरिक बनावट का एक बहुत ही स्थिर मंच। शारीरिक बनावट से मेरा मतलब शरीर और ऊर्जा सिस्टम दोनों से है। अगर आपका आधार मजबूत हो तो ये ऊंचाई पाना संभव हो जाता है। अगर आपके नीचे की जमीन स्थिर होगी तभी आप ऊंचा उठना चाहेंगे। अगर आप जहां खड़े हैं वो स्थिर नहीं है, अगर मंच स्थिर नहीं है, तो नाचना तो भूल जाइए, आप चल भी नहीं पाएंगे। आप इतना डर जाएंगे कि आप लेट जाना चाहेंगे, क्योंकि मंच अस्थिर है। तो ऐसा हर जगह दिखता है। कितने सारे लोगों ने जिन्होंने अपनी भीतरी प्रतिभा के तार को छेड़कर अपने प्रदर्शन को ऊंचा उठाया, दुर्भाग्य से उन्हें भारी अस्थिरताएं और गहरे दुख पहुंचे। कितने सारे कलाकारों ने आत्महत्या कर ली है, कितने सारे मानसिक विकलांगताओं से पीड़ित हैं। इसकी बुनियादी वजह बस यही है कि उन्होंने अपनी प्रतिभा के तार को छुआ और प्रतिभा के सैलाब ने उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने एक मजबूत और स्थिर आधार नहीं बनाया था। मजबूती और स्थिरता के साथ जीवन जीना बहुत जरूरी है। इसके लिए बेशक अभ्यास जरूर हैं, पर उनके अलावा प्रकृति के पांचों तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश के संपर्क में रहना होगा। इसके बिना आप शरीर को मजबूत नहीं कर पाएंगे। इन दिनों लोग छोटे छोटे कमरों में रह रहे हैं, जहां तापमान हमेशा 69 या 70 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये जीने का तरीका नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप दुनिया के तरीकों से जुड़ें। दुनिया के तरीकों से मेरा मतलब ये नहीं है कि मुंबई, न्यूयॉर्क या लॉस एंजल्स में क्या हो रहा है, वे तरीके अलग हैं। दुनिया के तरीके कुछ इस तरह हैं। दुनिया में हवा है, ठंड है, पानी है, यहाँ आग है, ये तमाम चीज़ें हैं। दुनिया के तौर तरीकों से जुड़ना बहुत बहुत ज़रूरी है। आइए इसे ठीक से समझें। दुनिया के तरीके यानी हमारे बनाए तरीके नहीं हैं। दुनिया के तरीके दुनिया का स्वभाव है। उनके संपर्क में रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। मानव आबादी को कुछ इस तरह फैलाना ताकि उन्हें उन तथाकथित आरामदायक क्यूबिकल में न रहना पड़े जिससे सिस्टम कमजोर हो रहा है। अपने अंदर एक बहुत मजबूत जीवन बनाना जरूरी है। जब आप ऐसा करेंगे सिर्फ तभी आपकी रचनात्मकता बढ़ पाएगी, आपके काम असरदार होंगे और सबसे ऊंचा आध्यात्मिक अनुभव पाने के लिए भी एक स्थिर शरीर जरूरी है, वरना ऊंचा उठते ही कुछ टूट फूट हो जाएगी। ये मेरी कामना और आशीर्वाद है कि आप सभी मजबूती से जिएं।